एहसानों की। जरा निगाहों से पिला दे प्यास मेरे दिल की, ले लेगी ये बरसात पर। जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं शार्प का 2-way स्पीकर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं इसमें क्या क्या है। दिखाने के लिए केवल एक ही मकसद है, जो भी आदमी कैसेट सुनने के शौकीन है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो सिस्टम है। इसके अंदर आपको 2 स्पीकर दिखेंगे ही दिखेंगे, ऊपर आपको टेप 1 और टेप 2 भी आपको जो दिखेंगे वो भी आपको एकदम वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे साउंड है, जैसा कि आपने पहले सुना। और अब आप आगे भी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा तो आप उसमें भी सुनेंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है हमारा जो एम्पलीफायर वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमारा फोन आता है सबसे पहले। तो अगर आपको हेडफोन के अंदर सुनना है तो आपको स्पीकर्स में नहीं सुनना है, अगर आपको अकेले में हेडफोन में सुनना है तो आप कैसेट प्ले करके आप इसके अंदर अपना ईयरफोन प्लग इन कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये फंक्शन आता है जिसके अंदर अगर आप टेप पे रखते हैं तो टेप आपकी प्ले होगी, ट्यूनर के अंदर ट्यूनर और सीडी में सीडी। तो बेसिकली मुझे पता नहीं है सीडी वर्क क्यों नहीं कर रही है, अगर आप लोग सही करवाते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए इसकी जो प्राइस है वो जस्ट हाफ से भी कम कर दी है, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको FM के मोड मिलेंगे, स्टीरियो और मोनो। आपको ये बता रहा है कि ये एक्स बास, इसके अंदर आपको बेस का अलग सिस्टम मिलेगा, ये बेस की अलग वॉल्यूम सिस्टम मिलेगा जिसमें आप अपने अनुसार बेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका बैंड हो गया कि आपको FM सुनना है LW, MW या SW। तो FM स्टीरियो में अवेलेबल है तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी ट्यूनिंग नॉब हो गई है और ये आपका ग्राफिक इक्वलाइजर हो गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए है। इसके अंदर ये लो या आपकी मिड, ये बेस के लिए वॉल्यूम अप और डाउन, मिड है और ये आपका ट्रेबल है, इससे आप ट्रेबल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका वॉल्यूम नॉब है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम नॉब है। यह आपका FM का सेक्शन है दोस्तों। CD के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगर चालू होता है तो ये एडवांटेज है आप लोगों का, अगर आप चालू करवाते हैं तो ये आपका हो सकता है। तो इसके बारे में मैंने इसको टेस्ट में नहीं किया, बाकी ये बेसिक फंक्शनैलिटी है जो आपको CD की देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आपको शार्प की बैजिंग, शार्प की ब्रांडिंग और ये CD वाला जो सेक्शन है इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बाकी दिखा देता हूँ। ये आपका ऐसे ही अपन देख लेते हैं, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिकली ये 6 डिस्क 6 CD चेंजर है। तो ये आपका ट्रे ओपन होती है, इसके अंदर आप CD डाल सकते हैं और आप इधर प्ले कर सकते हैं। तो हमें जो हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कैसे क्या इसके सिस्टम आपको ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आइए अपन ऊपर देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा कैसेट का सेक्शन है, इसके अंदर टेप 1 और टेप 2 आपको देखने को मिलती है। तो टेप 1 का ये आपका स्टॉप और इजेक्ट का हो गया, जैसा ये इजेक्ट वर्क है, ये अगर हम प्ले करते हैं ये स्टॉप हो जाता है, ऐसे इजेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पहला हो गया प्ले करने के बाद, ये प्ले हो रहा है, कितनी अच्छी इसकी आवाज आपने प्ले होते हुए इसको देखा। ये दोस्तों हमारा रिवाइंड है, अब इसका फॉरवर्ड देखिए। तो ये आपको टेप 1 का प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड और स्टॉप और रिजेक्ट आपको काम करता हुआ मैंने दिखाया। तो ये आपका टेप 1 का सेक्शन हो जाता है। ये अगर हम टेप 2 को देखते हैं तो बेसिकली टेप 2 में फर्स्ट बटन आपको रिकॉर्ड के लिए मिलता है, दूसरा प्ले के लिए, तीसरा रिवाइंड, चौथा फॉरवर्ड, पांचवा स्टॉप रिजेक्ट और ये पॉज वाला सिस्टम हो जाता है। तो आइए इसको भी हम प्ले करते हैं। इसमें ऑलरेडी कैसेट आपको देखिए प्ले मैंने, तो ये हम पॉज करते हैं, ये देखिए पॉज हो जाता है, वर्किंग स्टॉप इजेक्ट, ये आपने देखा। अब इसके अंदर इसको रिवाइंड करते हैं, इसको स्टॉप किया, ये इसको फॉरवर्ड किया, ये स्टॉप किया, ये प्ले। तो दोस्तों ये आपने देखा शार्प के CH600 की कैसेट प्लेयर की वर्किंग। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी कंडीशन में, पूरा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ दोस्तों। मरना भी मुश्किल।
चार्जी को। अभी हम लोगों ने देखा कि ये पूरा जो स्पीकर सिस्टम सेट कितना अच्छी तरीके से जो टू वे स्पीकर सिस्टम के साथ हमारा अवेलेबल है, कितना अच्छी तरीके से कैसेट के साथ प्ले हो रहा है, कितनी अच्छी इसकी आवाज है। तो दोस्तों ये अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस मैं अभी आपको बताता हूँ। टू वे स्पीकर सिस्टम के साथ आपको ये पूरा जो सेट है शार्प का, ये कम से कम अगर पूरा ये चालू होता तो मैं समझता हूँ कि 14-15 हजार रुपए से कम का नहीं होता। हम अभी जो इसकी प्राइस मांग रहे हैं, जो डिमांडिंग प्राइस है इसकी, वो है केवल 6000 रुपीज। आप लोग बाय कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो नंबर है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों आप कॉल कर लीजिए। एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को किसी को भी लेना हो तो आप लोग वीडियो कॉल पे इसकी पूरी फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं, जिससे आपके भी मन को तसल्ली हो जाए कि माल क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वीडियो कॉल पे बिल्कुल बात हो सकती है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।